एंड इफ यू आर फॉरगेटिंग, तुम शादीशुदा हो। मैं शादीशुदा हूँ ये तो तुम्हें पता था ना अविनाश, उसके बाद ही तो तुमने मुझसे रिलेशन जोड़ा था, राइट? तुम समझने की कोशिश करो, अंडरस्टैंड। आई वांट टू कंसंट्रेट ऑन माय स्टडीज, प्लीज। जब तुम मेरे साथ सो रहे थे, मेरा मजा उठा रहे थे, तब तुमने ये सब नहीं सोचा? और अब तुम मुझसे ये सब कह रहे हो? ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। एक बात सुन लो अविनाश, तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें अब मेरे साथ ही रहना होगा। अब तुम इस रिलेशनशिप से पीछे नहीं हट सकते। आई बात समझ में? तुमने कहा था ना कि तुम पूरे महीने मेरे साथ रहोगे, तो ऐसा क्या काम आ गया कि तुम जा रहे हो यहाँ से? नया प्रोजेक्ट मिल गया है, मैं क्या कर सकता हूँ? प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट, बस यही दिखता है ना तुम्हें? और मेरा क्या, मेरा कुछ भी नहीं। देखो, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ये प्रोजेक्ट मेरे करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए भी, समझी? रियली? तुम्हारा करियर, तुम्हारी कामयाबी और मेरा क्या, मेरा कुछ भी नहीं। ये जो कुछ कर रहा हूँ वो हमारी खुशी के लिए कर रहा हूँ, और ये प्रोजेक्ट के बाद हमारी लाइफ बदल जाएगी, हमारी जिंदगी में पैसों की बरसात होगी। सुमित, मुझे पैसों से मतलब नहीं है, मुझे तुमसे मतलब, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, पर तुम इस बात को समझते क्यों नहीं हो? देखो, ये सब ठीक है, लेकिन पैसों के बिना जिंदगी नहीं कटती, ठीक है? बाय। सुमित, सुमित, नमस्कार, मैं अभिनव पराशर एक बार फिर से आज के एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। सुमित पैसे के आसमान को अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहता था, वहीं उसकी तनहा नेगलेक्टेड वाइफ अनन्या अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी तलाश में खोई रहती थी, और उसकी तलाश खत्म हुई अपने पड़ोसी अविनाश पर जाकर। हेलो, किससे मिलना है आपको? वो ये 304 है? जी नहीं, ये 306 है। आई एम सॉरी, एक्चुअली थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, वो मैं 304 में रहने के लिए आया हूँ। सो बाय द वे, हाय, आई एम अविनाश। अनन्या। ओके। हाय। तुम? सॉरी टू डिस्टर्ब यू, एक्चुअली थोड़ा सा दूध चाहिए था, आज दूध वाला आया नहीं है तो। ओके, वेट। थैंक्स। वैसे आप अकेली रहती हैं यहाँ पर? नहीं, अकेले तो नहीं रहती, अपने हस्बैंड के साथ रहती, पर वो बिजनेस के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते हैं। सो ऐसे ही समझिए कि मैं अकेली ही रहती हूँ। मैं भी अकेले ही रहता हूँ वैसे, गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो। एनीवेज, इफ यू नीड एनीथिंग, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो यू कैन कॉल मी।
या कैसे? मुझे लग रहा है कि जरूरत तो आपको किसी चीज की है अभी। नहीं नहीं नो नो, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, वो तो नेबर है, दूध और ऐसी छोटी चीजें जरूरत पड़ती है तो काम आ ही जाते हैं, राइट? ओके देन आई टेक अ लीव, या एंड इफ यू वांट देन यू कैन कॉल। अनन्या और अविनाश के बीच जबरदस्त अफेयर शुरू हो गया था और इस अफेयर की नींव थी जिस्मानी जरूरत। हेलो अविनाश, कहाँ हो तुम? कहाँ, मंदिर पे हूँ। तुम भी रूम पे आओ ना। हाँ? अभी रूम पे आओ। अभी? अभी। तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। उस टाइम के लिए? ठीक है, आता हूँ। तुम्हें पता अब मैं अकेला महसूस नहीं करती। क्योंकि तुम मेरे लिए तुम्हें पता है मेरी भी लाइफ बहुत चेंज हो गई तुम्हारे आने से। सकता है सब कुछ चेंज हो गया। शिट, फेल हो गया है। सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरी गलती है यार, यहाँ पढ़ाई करने के लिए आया था, कर क्या रहा हूँ? इतना पैसा लगा है। अविनाश रिलैक्स, देखो मैं कह रही हूँ सब ठीक हो जाएगा, प्लीज।
नाहश, इट्स ओके। कुछ ठीक नहीं होगा। मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगा, उनके पैसे लगे हैं। इतनी इतनी मेहनत, इतनी साल की मेहनत, सब सब बर्बाद हो गई। देखो, रिलैक्स करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? कोई भी रिश्ता सिर्फ जिस्मानी जरूरत तक तो टिका रहता नहीं है, और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी गुप्त रिश्ता बच पाए। आओ, कहाँ रह गए थे तुम? बैठो। देखो अनन्या, मैं अब ये कंटिन्यू नहीं कर सकता। कंटिन्यू नहीं कर सकता मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब क्लियर है, मैं ये अब कंटिन्यू नहीं कर सकता। एंड इफ यू आर फॉरगेटिंग, तुम शादीशुदा हो। मैं शादीशुदा हूँ ये तो तुम्हें पता था ना अविनाश, उसके बाद ही तो तुमने मुझसे रिलेशन जोड़ा था, राइट? तुम समझने की कोशिश करो, अंडरस्टैंड। आई वांट टू कंसंट्रेट ऑन माय स्टडीज, प्लीज। मैं ये कंटिन्यू नहीं कर सकता। हाँ तो मैं कब मना कर रही हूँ? कोई बात नहीं ना, तुम अपनी स्टडी में कंसंट्रेट करना चाहते हो तुम करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट तुम मुझसे रिलेशन छोड़ने की बात तो नहीं कह सकते ना? ये कंटिन्यू नहीं हो सकता। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, तुम मजाक कर रहे हो ना, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। आई न्यू दैट, मुझे पता है। मुझे देख के तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स यू लव मी ना, एंड आई आल्सो लव यू। आई डोंट लव यू। व्हाट डू यू मीन? आई वांट टू कंसंट्रेट ऑन माय स्टडीज, प्लीज। ये कंटिन्यू नहीं हो सकता। जब तुम मेरे साथ सो रहे थे, मेरा मजा उठा रहे थे, तब तुमने ये सब नहीं सोचा? और अब तुम मुझसे ये सब कह रहे हो? ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। एक बात सुन लो अविनाश, तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें अब मेरे साथ ही रहना होगा। अब तुम इस रिलेशनशिप से पीछे नहीं हट सकते। आई बात समझ में? क्यों नहीं हट सकता? क्यों नहीं हट सकता? क्या कर लोगे तुम? कर क्या लोगे? ये कंटिन्यू नहीं होगा। ये कब खींचा तुमने? हाँ, ये मैंने कब क्लिक की, इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। विनाश, दोबारा मुझे छोड़ने की बात कही ना, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हैरेसमेंट का केस लगाऊंगी तुम पर। और तुम्हें पता नहीं है मेरे पति की पहुंच कितने ऊपर तक है। ओके, नाउ यू कूल। दिखा देना अपनी औकात। अविनाश, अविनाश, नहीं, ये रिश्ता ऐसे खत्म नहीं हो सकता। अविनाश को ऐसे नहीं जाने दे सकती, मुझे कुछ तो करना होगा। समझा के देखता हूं।
हेलो हेलो, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, और मैंने अब सोचा है कि मैं अब वहीं पे जॉब ढूंढ लूंगा, और मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी प्लान किया है। अच्छा ठीक है। क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई कि मैं वहाँ पे आ रहा हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो क्या है ना, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है तो मैं सो रही हूँ अभी, आपसे बाद में बात करूँ? अच्छा अच्छा, चलो तुम सो जाओ, बाय, टेक केयर। I'm sorry. मुझे तुमसे उस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। I'm sorry. अविनाश, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो ना? Yeah. I do. I love you. का बुरा तो नहीं लगा ना यार, चीजें हो जाती हैं, गुस्सा आ जाता है, कुछ बोल देते हैं, यू नो, बट वी आर वन, राइट? ऐसे मैं क्या बोल रहा था कि वो जो फोटोज थे उसको डिलीट कर देते हैं ना, उनका क्या काम है ना? फोटोज डिलीट कर देते हैं? हाँ नहीं अविनाश, वो तो हमारे प्यार के मोमेंट्स है ना, तो ऐसे कैसे डिलीट कर दें हम? यस, लेकिन अब जब हम दोनों साथ में ही हैं तो फिर ऐसे फोटोज की क्या जरूरत है? जरूरत है अविनाश, कल तुम कहीं चले गए तो मेरे पास कुछ यादों के लिए रहना चाहिए ना, ताकि मैं तुम्हें मिस कर पाऊँ, और ऐसे कैसे हम डिलीट कर सकते हैं? नहीं अविनाश, देखो हम लोग वीडियो कॉल कर सकते हैं, कैसे भी कनेक्ट रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए इन फोटोज की क्या जरूरत है? डिलीट कर दो ना उनको, है ना? नहीं अविनाश, मुझे जरूरत है ना फोटोज की, तुम इतना फोर्स क्यों कर रहे हो? रहने दो ना, मुझे अच्छा लगेगा, वो हमारे प्यार के मोमेंट्स है अविनाश, हमें रखना है। लेकिन मुझे भी अच्छा लगेगा ना कि अगर वो डिलीट कर देंगे तो, तुम मेरी बात भी तो सुनो। अविनाश तुम इतना फोर्स क्यों कर रहे हो और इतना हाइपर क्यों हो रहे हो तुम? मुझसे प्यार करते हो ना, वो हमारे प्यार के मोमेंट्स है ना, तो तुम क्यों फोर्स कर रहे हो? कुछ ठीक है, हमारे मोमेंट्स है, राइट? यस, आई लव यू, आई लव यू, और मोमेंट्स तो होने ही चाहिए, राइट? राइट, प्यार के मोमेंट्स साथ साथ में, है ना? और प्यार के साथ साथ कुछ दूसरे मोमेंट्स होंगे तो? अविनाश, मोमेंट से ना, मोमेंट
अनन्या अनन्या कहाँ हो तुम? अनन्या अनन्या कहाँ हो तुम? अनन्या अरे कहाँ हो तुम? कोई सरप्राइज है क्या मेरे लिए? अरे अनन्या कहाँ हो तुम? अनन्या 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 उठो अनन्या 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 उठो अनन्या देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं अनन्या अनन्या मैं यहां पे रहूंगा तुम्हारे साथ अनन्या उठो अनन्या मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा अनन्या उठो उठो अनन्या 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 उठो उठो अनन्या ये जरूरी नहीं है कि हर इंसान की तलाश वहीं जाकर पूरी हो जैसा कि वो समझता है। अगर सुमित अपने पैसे की तलाश पर थोड़ा काबू रख पाता तो आज उसकी वाइफ अनन्या के साथ वो सब ना होता जो कि हुआ। और अनन्या भी अगर अपनी ज़रूरत को सुमित को बताती ना कि अंदर ही अंदर घुट कर रहती तो शायद ऐसा ना होता। आपसे दोबारा मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।